हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं थर्ड क्लास का लेसन नंबर 1 इंग्लिश का रीड करवाऊंगी। तो ये पोइम है, इसमें गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात, नमस्कार, सुबह की नमस्ते। ये सुबह की लड़की है ना ऊपर, तो ये सुबह की नमस्ते बोल रही है किस किस को? तो मैं आज, चलिए आपको बताती हूँ। गुड मॉर्निंग स्काई, स्काई होता है आकाश। गुड मॉर्निंग सन, सन होता है सूर्य, वो सूर्य को भी नमस्कार कह रही है। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, अब मैं बताती हूँ आपको ये गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन। अब ये किसे गुड मॉर्निंग कह रही है? लिटिल मैंने छोटा, विंड्स मैंने हवा, दैट रन चलती हुई हवा को। जब सुबह आप जागते हो ना तो आप छोटी छोटी हवा चलती है ना, तो उसको भी वो बच्ची गुड मॉर्निंग कह रही है। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग वो पक्षियों को भी सुबह की नमस्कार कह रही है। गुड मॉर्निंग ट्रीज, वो पेड़ों को भी नमस्कार कह रही है। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी भी, अब देखिए आप नीचे जो एक ब्राउन कलर की मधुमक्खी है ना, उसको भी वो गुड मॉर्निंग कह रही है। क्रीपिंग होती है रेंगती हुई, चलती हुई, जैसे रेंगती हुई या बढ़ती हुई घास जो होती है उसे भी वो गुड मॉर्निंग कह रही है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वाज डे, अब वो पूछती है पोइम में, इस पोइम में, कि आपको कैसे पता कि दिन हो गया है? हाउ टोल्ड यू नाइट हैड गोन अवे, आपको किसने बताया कि रात हो गई है? आई एम वाइड अवेक, मैं तैयार हूँ। आई एम अप नो टू, मैं अब तैयार हूँ। आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू, अब ये कह रही है बच्ची, देखिए आई विल, इसको विल बोलते। आई विल बी राइट नो राइट सॉरी राइट आउट टू प्ले विद यू, अब मैं आपके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मीनिंग ये है, और इसके मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ आपको। क्रीपिंग होता है रेंगती हुई, अवेक होता है जागना, गोन अवे होता है समाप्त हो चुकी। तो इस लेसन में आपको मैंने ये समझा दी है पोइम, लर्न कर मतलब रीड करवा दी है। नेक्स्ट पोइम उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो